कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व समाज सेवी संगीता अग्रवाल ने मां सरस्वती व महाराज अग्रसेन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर किया। अध्यक्ष निशा सिंघल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए सभी सखियों को करवा चौथ उत्सव के लिए शुभकामनाएं दी। डांडिया क्वीन बनने के लिए जहां महिलाओं ने अपनी कलात्मकता को बखूबी प्रदर्शित किया, वहीं करवा चौथ क्वीन के लिए 16 श्रृंगार के साथ रचनात्मकता और भारतीय संस्कृति व परंपरा से जुड़े सवालों के लिए अपने बौद्धिकता का लोहा मनवाया। मस्ती और उमंग के साथ सभी सखियों ने उत्सव को खूब इंजॉय किया। रेणु गोयल, डांडिया क्वीन, चंचल अग्रवाल, करवा चौथ क्वीन, लकी ड्रॉ, ग्रीष्मा अग्रवाल, पंचवर्ल्टी विनर प्रियंका अग्रवाल और गेम में कृष्णा अग्रवाल ने बाजी मारी। उपहार के रूप में सुहाग सामग्री व पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के संदेश के साथ गुलमोहर, पीपल, नीम जैसे पौधे भेंट किए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से ग्रीष्मा, ममता अग्रवाल, साक्षी, नेहा, स्वाति, कृष्णा आदि उपस्थित थी। मेरा नाम स्वाति गोयल है और हम लोग इस प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये डांडिया स्पेशल रखा गया है प्रोग्राम करवा चौथ का। करवा चौथ पर मतलब सब लोग हैं ना, लेडीज़ हैं, इतना व्रत करने के बाद भी इतना अच्छे से तैयार होके आई है, इतने सुंदर लग रहा है, यहाँ पर आके बहुत अच्छा महसूस होता है हम लोगों को। है जो और किसी से प्रोग्राम से ज़्यादा करवा चौथ सभी लेडीजों के लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है और वो उसको मानती भी है और धार्मिक तौर से उसको मानती भी है और करती भी है। और ये उनके लिए, नारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर आदमी, हर जेंट्स को भी ये चीज़ समझते हैं कि हाँ, हमारे लिए कुछ करती हैं, बाहर निकलती हैं, अपने आप को सजना संवारना, इन सब चीज़ों को करना तो अच्छा लगता है देखकर। हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या फैशन में है, क्या ट्रेंड्स है, क्या चल रहा है। एक आप कह लीजिए ना, एक प्रकार की एक नई ऊर्जा महिलाओं में आती जा रही है, तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन और शानदार कार्यक्रम। ये जैसे महिलाएं आगे बढ़ें, अपने मन की जो उनके उल्लास हैं, डांस, गाना, नृत्य, जो भी उनकी हॉबीज़ हैं, वो सब इस तरह से बाहर निकलें। और सभी महिला के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है जो वो प्रदर्शित नहीं कर पाती हैं, इस कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी कला निखरती है। और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे महिलाएँ उत्साहवर्धक हों। कहते हैं कि हाँ, हमारे त्यौहार हैं जो पुराने काल चले आ रहे हैं, इनको और ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाएं। और कोई अकेला नहीं है, सब यहाँ एक परंपरा में और सब एक सूत्र में प्रे हुए हैं। कोई कहीं नहीं किसी को अकेला ना समझे, समाज बढ़ावा देता है इस कार्यक्रमों को, संदेश को देते हुए। और बहुत मतलब मन वचन और क्रम से जो कार्यक्रम उत्सव होते हैं, इनको हम बनाते हुए चलते हैं, यही संगठन की।